ऑनलाइन कक्षा में आप सबको स्वागत है। आज हम नवी कक्षा की जो है रहीम के दोहे आखिरी पार्ट जो है दोहे 17वां पार्ट रहीम के दोहे को हम आज सीखेंगे। बच्चों ये जो दोहे देखने में बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन इसको विवरण देते समय कठिनाइयों के अर्थ को बताते समय ये जो दोहे बहुत ही रोचक और सुंदर रहते हैं सुनने के लिए, और मन होता है कि और भी सुनेंगे ऐसे लगता है। इस दोहे में छात्र इन दोहों के द्वारा क्या सीख सकते हैं? सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं, और इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो सज्जन लोग और क्या है महान लोगों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, उनके स्वभाव के बारे में समझ सकते हैं क्या है, क्या सज्जन कैसा व्यक्ति रहता है और महान लोग कैसे रहते हैं, ये हम यहाँ पे सीख सकते हैं। और एक क्या है छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व के बारे में हम कभी कभी नेग्लेक्ट करते हैं छोटे वस्तुओं को, सब उससे और क्या है साधारण वस्तुओं से क्या कंपैरिजन करेंगे तो क्या महत्व है, हम इस दोहे के अंतर्गत सीख सकते हैं। तो कवि परिचय में कभी ये जो है रहीम के दोहे है, ये रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खाना है। उनके पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्तान बेगम था। रहीम सत्साई 12वीं नायिका भी श्रृंगार सरोठा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके काव्य में नीति भक्ति प्रेम श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। ये रहीम के दोहे रहीम ने लिखा है, इसको यहाँ पे डाल दिए हैं। तो इनके जीवन चरित्र मतलब जन्म और इन्होंने क्या क्या पिता का नाम माता का नाम और इनकी रचनाएं को यहाँ पे दिए। तो पहला जो दोहे का दोहे मतलब दो लाइन के होते हैं, इसके लिए दोहे कहते हैं। इसमें जो है चार दोहे हैं। तो आपके हुए पाठ पुस्तक में है, आप भी जब मैं यहाँ पे प्रवचन करते जा रही हूँ बोलते जा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं पुस्तक में प्रस्तावन करते समय आप वहाँ पे देखना है, पाठ का विस्तार करते समय देखते जाइए। तो तरवर फल नहीं खात है सरवर पियही न पान, कही रहीम परकाश हित संपत्ति संजाई सुजान। दूसरे में देखिए जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकर हुसन, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तीसरा रहीमन देख बड़े को लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मम मोल। तो सुनते समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये जो है इनकी भाषा अलग प्रकार की रहती है, इसलिए सिंधी। और ये तरोवर फल नहीं खाता, तरोवर का अर्थ क्या है जो है तरोवर यहाँ पे वृक्ष पेड़, कठिनार्थ में देखते जाइए पेड़ फल नहीं खाता। तो यहाँ पे भावार्थ भी आपके पाठ पुस्तक में रहता है तो भावार्थ भी देखते जाइए। तो क्या कहते हैं तरोवर फल नहीं खाता, जो पेड़ फल देता है हमें मीठे मीठे फल देता है तो क्या है वो खुद ब खुद नहीं खाता, किसे देता है लोगों को या जानवर या पशु पक्षी सब खाते हैं ना, तो क्या खुद ब खुद नहीं खाता है, उतने मीठे रहने के बाद भी लोगों को मिठाई देता है। और उसी प्रकार सरोवर सरोवर मतलब क्या सरोवर पियही न पान, क्या है पान मतलब पानी, सरोवर सरोवर पानी, सरोवर में बहुत सारा पानी रहता है लेकिन वो खुद पानी नहीं पीता है। कहीं रहीम पराकाठ हित संपत्ति संचाई सुचार, उसी प्रकार कैसे सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं।
तो क्या है, पैसा पैसा हो, कुछ भी हो, धन दौलत सब क्या करते हैं, जमा जमा के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि एक नए दिन हमें चाहिए। लेकिन ये जो है पेड़ और जो सरोवर, जितना चाहे कोई भी हो ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फल कितना भी खाए खा सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं रख सकता। फिर रखने के लिए भी उसे नहीं हो रहा है। लेकिन मानव सज्जन वैसे नहीं है, तो क्या करता है, सब कुछ जमा जमा के, धन संपत्ति सब कुछ जमा जमा के इकट्ठा करके रखता है। तो पहले पैराग्राफ का भाव आता है रहीम के दोहे में, इसमें कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन लोग जमा करके, इकट्ठा करके दूसरों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए जमा करते हैं। तो ये जो हो गया पहला जो दोहे का भावार्थ है। दूसरा जो है, जो रहीम उत्तम प्रकृति करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो क्या है, संचाई का मतलब है संग्रह किया गया। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग अच्छाई, तो दूसरे पैराग्राफ में रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, व्यक्ति अच्छा कभी मालूम पड़ता है जब उसके साथ बातचीत करने के बाद, व्यवहार करने के बाद पता चलता है। तो रहीम कहते हैं जब व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है तब बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या है, उसका करी सकत कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या है, जो है व्यक्ति अच्छा है, कुसंग मतलब क्या, बुरी संगत, जो व्यक्ति अच्छा है तो उसका स्वभाव अच्छा है, उस व्यक्ति से बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी कोशिश करें, जो व्यक्ति अच्छा रहेगा उसको खराब करने के लिए कितना भी कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होता। अच्छा स्वभाव का रहने वाला अच्छे स्वभाव में ही रहता है, इसके लिए दिया गया है। व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी बिगाड़ने के लिए उससे नहीं होता। इस प्रकार हमारे जो एजुकेशन है, पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं, दिमाग के अंदर रहता है, हम जो पढ़ते हैं हमारे दिल के दिमाग के अंदर रहता है, उसको किसी से छीनने के लिए होता है क्या, नहीं। इसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति का स्वभाव अच्छा ही होता है, बुरी संगत में बुरे लोगों के साथ उसे जुड़ा करेंगे तो भी जोड़ी बनाएंगे उसके साथ, उनके संग में रहेगा तो क्या है, बुरा नहीं हो जाता है, नहीं हो सकता है, नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे लाखों में एक दो बिगाड़ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग बिगाड़ नहीं सकते, ऐसे कहते हैं। तो अच्छे स्वभाव का होता है व्यक्ति, अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दूसरा लाइन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग का अर्थ क्या है, सांप सर्प के लिए कहते हैं भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन मतलब एक सुगंधित वृक्ष का है, चंदन मतलब मरा, चंदन का पेड़ जो व्यापर विष व्यापर नहीं लिपटे रहत भुजंग, लिपटना सटे रहना, उसको लिपट के रहना। तो क्या है, चंदन के पेड़ पे सांप लिपट के रहता है, उसको पकड़ के रहता है, जहां पे भी चंदन का पेड़ रहेगा वहां पे सांप रहता ही है। भुजंग, भुजंग का अर्थ क्या है, सांप सर के लिए कहते हैं भुजंग। तो वहां पे क्या है, सांप आके उस पेड़ को क्या है, गोल 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 फिर के रहता है, नहीं तो वहीं पे चक्कर लगा के बैठ जाता है जो है चंदन के पेड़ में। लेकिन उसका विष क्या है, नहीं निकाल के चंदन के पेड़ को नहीं डालता है। तो उसी प्रकार ही कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे जो जो जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर भी चंदन में उसका विष व्याप्त नहीं होता, या चंदन में उसका विष नहीं आता, केवल सांप
जो क्या है, उस पेड़ को लिपटते रहता है, बिना उसका विष वो पेड़ में नहीं जाता है, ना चंदन में नहीं जाता है। इसके लिए दूसरा पैराग्राफ है, तो इसका अर्थ है रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर भी चंदन से उसका विष व्याप्त नहीं होता। देखो तीसरा जो है, रहीमन देख बड़े को लघु ना दीजिए, डारी डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन देख बड़े को लघु ना, बड़ों को देखो लघु ना दीजिए डारी, छोटा लघु मतलब छोटा, डारी मतलब क्या है, डाल छोड़ना। तो क्या है, जहाँ पे बड़ों का इज्जत रहता है वहाँ पे इज्जत बढ़ता ही जाता है, लघु छोटे हो या बड़े हो जो भी हो उसके लिए इज्जत मिलता ही है। तो क्या है, बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, क्या है, तिरस्कार मत कीजिए। जो बड़ा आदमी है उस मिलने पर क्या है, छोटे आदमी को तिरस्कार नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो नेक्स्ट है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, जहाँ पे हमें उपयोग करना है सुई, सुई मतलब क्या है, सूजी नीडल जो है, काम कहाँ काम में आता है सुई या सूजी नीडल, वहाँ पे ही वहाँ अगर हम तलवार लेके जाएंगे तो उसका क्या उपयोग, सुई का जो कहाँ पे उपयोग होता है वहीं पे होना चाहिए, वही उस जगह में तलवार लेके जाएंगे तो क्या फायदा है। तो ये है तीसरा पैराग्राफ का रहीम, कहते हैं कि राइस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए या तिरस्कार मत कीजिए। बड़े 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 पैसे वाले या धनी लोग रहेंगे तो क्या छोटे या साधारण मिडिल क्लास के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, तिरस्कार भाव नहीं करना चाहिए। बड़ा उसके पास पैसा बहुत रहेगा तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो छोटा आदमी बन रहेगा, लेकिन बड़े आदमी को मिलते समय हमें उसे इनकार करना, तिरस्कार करना, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। चुका है, बड़े आदमी के पास बड़े आदमियों का ही काम चलता है, छोटे आदमियों से छोटा आदमी का ही काम बनता है, काम छोटा काम बनना है वहाँ पे वहाँ जाते हैं, बड़े लोगों के पास जाना है तो उसी प्रकार व्यवहार करना पड़ता है। तो तीसरे पैराग्राफ कराते रहीम कहते हैं कि राइस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए या तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जहाँ सुई काम जाती है काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है, जहाँ पे काम आती है वहाँ पे लेके जाएंगे सुई के बदले तलवार, वो कुछ नहीं कर सकते है। अंतिम पैराग्राफ में देखिए, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मम लो। क्या है, बड़ाई प्रशंसा करना, हीरा पर्ल वज्र या टका मतलब मुद्रा या सील कहते हैं या सिक्का भी है, मम मम मतलब मेरा, मोल मतलब दाम। बड़े लोग ना ज्यादा बोलते हैं, बड़े लोग कम बोलते, ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं, अच्छे लोग बड़े लोग क्या है, ना ज्यादा बोलते हैं ना अपनी प्रशंसा करते हैं। रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल लाख मुद्राएं हैं, तो क्या है, कंपेयर कर रहे हैं, बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते, मैं बड़ा आदमी हूँ मेरे पास बहुत सारा धन दौलत है, ऐसे वैसे प्रशंसा नहीं करते। जिस प्रकार हीरा छोटा भी होकर भी उसको क्या है, जहाँ भी हीरा मिलता है मिलने का चांसेस ही नहीं रहता है, हीरे को इतना मोल रहता है, लाखों से ज्यादा मोल रहता है, लेकिन हीरा क्या है, नहीं कहता है कि मुझे बहुत क्या है मूल्य है, ये नहीं कहता। तो चौथा जो है सारांश इस प्रकार है, बड़े लोग ना ज्यादा बोलते हैं ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े लोग ना अपने ज्यादा बोलते भी नहीं है और ना प्रशंसा भी नहीं करते। रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख करोड़ों से
ज्यादा डिमांड है उसको मुद्राएं, मुद्राएं मतलब क्या है, टका मतलब मुद्राएं, तो डिमांड ज्यादा है हीरा को कौन नहीं पसंद करता, कहां पे भी नहीं मिलता है हीरा, है ना। इसके लिए वो क्या करता नहीं है, ज्यादा मूल्य है लेकिन कब कहता है, बोलता है कब, उसकी वो बोलता है कि मुझे मूल्य ज्यादा है, मुझे पैसा ज्यादा मिलने वाला, ऐसे नहीं बोलता है, ये इसके अंतर्गत है। चार ही है पैराग्राफ आपको दोहे में, दोहे बहुत आसान है, इसी भावार्थ को आप अपने पुस्तक में लिख लीजिए, या और जो है चार दोहों को आप क्या करना है, कंटस्थ करने के लिए है। दोहा जो आप दो लाइन का है, दो उसके लिए दोहा दिया है, तो अगर दो लाइन का आप सीखेंगे, चार ही चार है तो क्या है, टोटल आठ लाइन होगा, लाइन मतलब लंबा नहीं है छोटा ही है, फिर आप चार के चार दोहे सीखेंगे, आपको एग्जाम में दो ही लाइन लिखने के लिए रहेगा, उसको चार मार्क या पांच मार्क रहता है। ये चार दोहों को कंटस्थ करना जरूरी है, कंटस्थ के लिए आता है और एग्जाम में भी पूछते हैं, ये बहुत ही आसान दोहे है और समझने में भी बहुत आसान है, पढ़ने में भी बहुत और बहुत ही समझने आने में बहुत इजी से समझ में आ जाता है। देखने में वर्डिंग थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन भावार्थ इस पार्ट में है, तो आप उसको देखेंगे तो बहुत ही आसान से आप समझ सकते हैं। में है अंतिम पार्ट है, इतना ही है आपको नए स्टार्टर में पढ़ने के लिए, और जो आपको डिलीट किए ड्रॉप किए गए लेसन वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही आपको बता चुके हैं और फिर से आपको बोल रही हूँ, जो है पहला लेसन और सातवां लेसन पर्यावरण बचाओ, और दसवां लेसन चलना हमारा काम है, और सोलहवां लेसन पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह व्यंजन रचना, ये जो है एक सात दस और सोलह लेसन आपके एग्जाम में नहीं है, बाकी का सब आप पढ़ना पड़ता है, बचा जो हुआ है सब पढ़ना है। ये जो रहम के दोहे आपको कंटस्थ के लिए है, कंटस्थ करना जरूरी है, लिख के सीखना है, और क्या है इतना पूरा सीखने के बाद आपको एग्जाम में एग्जाम हो जाएगा तो आप पास होके नवीं कक्षा में जा सकते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, अलविदा।